पाकिस्तान की तारीख की तवील तरीन बंदिश के बाद कराची में तालीमी इदारे आज से मरहलावार खुल गए। तलबा तालीमी इदारों का रुख करेंगे, बाद अज़ां प्राइमरी क्लासेस भी खोल दी जाएंगी। कोरोना वायरस की आलमी वबा के सबब 6 माह कबल मार्च में बंद होने वाले तालीमी इदारे आज से खुल गए। तहम तालीमी इदारे मरहलावार खोले जाएंगे, जिसमें बड़ी क्लासेस पहले और प्राइमरी स्कूल बाद में खोले जाएंगे। कराची में स्कूल खुलने के बाद तालीमी सरगर्मियों का आगाज मुकम्मल SOPs के साथ हो गया। तमाम तलबा और तलबात मास्क पहनकर स्कूलों में आए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से इन्हें स्कूल के गेट पर सैनिटाइज किया गया। स्कूलों में सुबह की असम्बलियाँ नहीं हुई। क्लास रूम जाने से कबल तलबा और तलबात का टेम्परेचर भी चेक किया गया। तदरीस के पहले दिन 10 गाँव में बच्चों में बहुत जोश खरोश देखने में आया। बच्चे खासे पुरजोश दिखाई दे रहे थे। C10 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बच्चों का कहना था कि स्कूल खुलने पर हम बहुत खुश हैं, हमें अपने दोस्तों और असातिज़ा से मिलना था। तातीलात की वजह से हमारी तालीम बहुत मुतासर हुई है। स्कूल आए हैं तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, दोस्तों के साथ मिले, थोड़ा सा काम करेंगे, मजा आएगा, और अगर SOPs को फॉलो करेंगे तो केसेस कम होंगे। खुल गए और बस अब कोरोना केसेस में और ज़्यादा कमी आ जाए और हमारे स्कूल ऐसे ही खुले रहें, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए और अपनी टीचर्स से मिलने के लिए। क्लास में जैसे फ़ायदा नहीं हुआ हमारा, बहुत मतलब पढ़ते थे लेकिन इतना वो समझ नहीं आता था क्योंकि लाइट इशू और नेट इशू होता था, और स्कूल खुल गया, हम बहुत एक्साइटेड है, हम पढ़ेंगे तो अपनी टीचर से मिल रहे हैं। इसी जमन में जब असातिज़ा से बात हुई तो इनका कहना था कि आज स्कूल का पहला दिन है, हम अपने स्टूडेंट को बहुत मिस कर रहे थे। स्कूलों में ना आए और स्कूल खुले रहें, और हमें चाहिए कि हम पूरी SOPs पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ अपने स्कूल में आएँ, हम खुद अपने इसको फॉलो करें और अपने बच्चों को भी इसको फॉलो करवाएं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि 6 महीने के बाद हमारी वापसी हुई है, जो कि बहुत खुश आइंदा बात है। बट अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें वो दिन दिखाया है और आज ये दिन आया है, और बहुत सारे नुकसानात के साथ अब हम वापस आए हैं अपने ट्रैक पे। तमाम बच्चों को मैं दोबारा पाबंद करूंगी कि SOPs को फॉलो करें, मास्क विदाउट मास्क कोई एंटर ना हो स्कूल में, टेम्परेचर चेक हो रहा है, सैनिटाइजर स्प्रेज हो रहे हैं। कराची समेत पूरे सिंध में COVID-19 का पहला केस 26 फरवरी को सामने आने के बाद तालीमी इदारे इब्तदाई तौर पर 27 और 28 फरवरी को पहली बार 2 रोज़ के लिए बंद किए गए, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने तालीमी इदारों को एक हुक्मनामे के जरिए 28 फरवरी की रात मजीद 15 रोज़ के लिए 15 मार्च तक बंद कर दिया था, जिसके बाद स्कूल 14 सितम्बर तक बंद रहे। अफजाल खान, C110 न्यूज, कराची। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।